Welcome everyone. Subscribe to Rachendra Mundra's classes and press the bell icon to stay updated. Thank you. Hey, hi everybody. I am Rachendra Mundra, faculty for CA Intermediate Group 2 EIS NSM. दोस्तों मई 19 से आप सभी को पता ही है कि जो सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन से रिलेटेड है दैट इज़ द एमसीक्यू पैटर्न टेस्टिंग बाय द आईसीएआई और ये बेसिकली आपके इंटरमीडिएट के चार सब्जेक्ट में है दैट इज़ द लॉ टैक्सेशन ऑडिट और हमारा सब्जेक्ट दैट इज़ आईटी आई मीन ईआईएस एनएसएम एंड यस इन द ओल्ड सिलेबस ऑल्सो इट वॉज कॉल्ड एज आईटी एनएसएम सो बेसिकली आई वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि सर इसमें मतलब आप हमको सेट्स तो प्रोवाइड कर ही रहे हो जो एमसीक्यू का ठीक है चलिए एमसीक्यू की बात निकली तो मैं एक चीज़ बता दूँ जो मेरे ईआईएसएसएम के स्टूडेंट्स हैं उन सभी को मैं फिर से अगर बताना चाहता हूँ कि ईआईएसएसएम के ऑनलाइन फ्री एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ मेरे टेलीग्राम के चैनल पे तो जाके उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको टाइम टू टाइम जो है वो अपडेट मिलते रहेगा इसके रिलेटेड हमने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसका थंबनेल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो जाके उसको आप देख लेना तो आज का हमारा मेन पर्पज़ है जो आपकी बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि सर एमसीक्यू के रिलेटेड लाइक हमारा स्टडी का अप्रोच कैसे होना चाहिए लाइक आपको जो एमसीक्यू है वो कहीं ना कहीं से तो आपको मिल ही जाएंगे आपको जैसे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो जैसे आपने कोई और भी क्लासेस करी होंगी आपके बाकी सब्जेक्ट्स की सो उस सब्जेक्ट की जो फैकल्टीज़ है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे ही ऐसा मुझे लगता है या फिर कहीं और से भी आपको जो है वो एमसीक्यूज मिल ही जाएंगे बट बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करें कि हमसे एमसीक्यूज मिलेंगे कहाँ पे इसकी बात नहीं कर रहे हम लोग यहाँ पे आज मिले हैं ये जानने के लिए कि आपकी जो है वो एमसीक्यू के रिलेटेड स्टडी का अप्रोच कैसे होना चाहिए बिकॉज इसको लेकर के बहुत ज़्यादा मुझे क्वेरीज आ रही थी तो ये वीडियो मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो जरा ध्यान से सुनिए कुछ पॉइंट्स को मैं बताऊँगा कि आपका स्टडी पैटर्न कैसा होना चाहिए क्योंकि एमसीक्यू से आपका टेस्टिंग होना है इंस्टीट्यूट से तो जब एमसीक्यू की बात आती है ना तो बेसिकली इंस्टीट्यूट का दायरा बढ़ जाता है पेपर के टफनेस को बढ़ाने का अब एमसीक्यू पैटर्न के असेसमेंट में कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान है मतलब फ़ायदा तो ज़्यादा ही है और नुकसान है कुछ एरियाज़ में एज़ फार एज़ द स्टूडेंट्स अप्रोच इज़ कंसर्न राइट तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहला तो एमसीक्यू आने से ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है कि अब बहुत ज़्यादा आपको जो सब्जेक्ट को है ना वो मेमोरी बेस्ड सब्जेक्ट नहीं हो गया अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट ये हो गया है तो बेसिकली एमसीक्यू के आने की वजह से अब आपको कोई चीज़ जो है अगर आप लर्न नहीं कर पाते हो तो आप उसको समझ लो बिकॉज अगर कोई चीज़ लॉजिकली समझ में आ जाती है तो आप उसको 100% उस पे बेस्ड जो एमसीक्यूज आएंगे आप उसको जो है अटेंड कर सकते हो जैसे अगर मैं ईआईएस की बात करूँ तो उसमें चैप्टर 3 में बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है और स्टूडेंट्स फाइंड इट अ बिट डिफ़िकल्ट कि सर ये हमको चीज़ें याद कैसी होंगी तो जो सैम्पल एमसीक्यू इंस्टीट्यूट ने जो अपलोड करे है उससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि जो हार्ड कोर टेक्निकल पार्ट है आपके ईआईएस का उसको इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पैटर्न में चेक करने का ट्राई कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की बात है कि अब आपको टेक्निकल जो है वो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है बट जी हाँ आपको टेक्निकल का मतलब समझना ज़रूरी है तभी तो आप एमसीक्यू को जो है वो सॉल्व कर पाओगे और अगर मैं एसएम की बात करूँ तो वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो पूछा जाएगा मतलब छोटी छोटी केस स्टडीज़ आपको जो है वो दी जाएंगी और मैं एक चीज़ आपको अपडेट कर दूँ इंस्टीट्यूट ने सैम्पल एमसीक्यूज अभी तक 2 सेट अपलोड करे हैं सेट 1 एंड सेट 2 आपको इंस्टीट्यूट के साइड से जो है वो मिल जाएंगे सारे ही सब्जेक्ट के स्टेट विद आंसर्स इंस्टीट्यूट ने जो है वो अपलोड कर रखे सो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आई मीन अ वेरी गुड फैसिलिटी इज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाय आईसीआई टू ऑल ऑफ यू तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि आपको अप्रोच रखना कैसे कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते आप आपको सारी ही चीज़ें पढ़नी है और जो चीज़ आपको थोड़ा सा टेक्निकलिटी लगती है उसको एमसीक्यू पैटर्न में आएगा मतलब समझ लो छोड़ो मत उसको समझ लो राइट अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की कि सर जो एमसीक्यू है क्या वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो द आंसर इज़ नो सो ये बात तो बड़ी आप गांठ बांध ले कि पेपर में आपको 100% एमसीक्यू जो है वो अटेंड करना ही करना है बिकॉज एमसीक्यू पे आपका एग्जम्पशन जो है वो डिपेंड करेगा अगर आपके एमसीक्यू में मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे तो जो चार पेपर है आपका लॉ टैक्सेशन आईटी आई मीन ईआईएस एसएम एंड आपको ऑडिट ये पेपर में आपको एग्जम्पशन लाना है तो आपको एमसीक्यू में अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो देना पड़ेगा तो अब राइटिंग की चिंता ना करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो सब्जेक्ट की आपको चिंता करने की ज़रूरत है तो सारे जो एमसीक्यू आपको अटेंड करना ही करना है सो ये था दूसरा पॉइंट अब आते तीसरे पॉइंट पे कि सर हमको मतलब ये जो आपने बताया कि आप कुछ ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते आपको सब्जेक्ट को समझना है तो लाइक इस सब्जेक्ट को समझे कैसे हमको रीडिंग से समझ में आएगा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए क्या चाहिए
तो बेसिकली जिस हिसाब से इंस्टीट्यूट ने जो सैम्पल MCQs प्रोवाइड किया है उसको देखकर एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि कोई भी लाइन को उठा करके वो उस पर एक MCQ डेवलप कर सकते हैं। तो बेसिकली आपकी जो रीडिंग है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है, बिकॉज अगर कोई पार्ट अगर आप रीड नहीं करते, जैसा कि अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करूँ या मैं इनकम टैक्स की बात करूँ, जहाँ पे सेक्शन नंबर वगैरह अगर उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया और वो सेक्शन आपने पढ़ा ही ना हो तो आप तो जो है वो गेस वर्क भी नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, बट यू हैव टू रीड एवरीथिंग। सी, लर्निंग एवरीथिंग एंड रीडिंग एवरीथिंग इज दो में बहुत फ़र्क है। लर्निंग एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, बट टू रीड एवरीथिंग इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। बिकॉज अगर कोई चीज़ आपने लर्न नहीं करी है बट आपको समझ गई है और अगर आपने उसको रीड किया है और उस पर अगर कोई MCQ आता है तो आप बड़ी आसानी से जो इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर इन चार सब्जेक्ट में, अगर मतलब टैक्सेशन, लॉ, EISSM और ऑडिट में अगर आपको एग्जम्पशन लानी है तो उस केस में आपका जो MCQ वाला जो पार्ट होगा क्वेश्चन पेपर का, दैट इज़ गोना बी योर मेक और ब्रेक डिसीजन। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से सुन लें। अब बात करते कि सर, और आप लाइक फोर्थ पॉइंट पे आते कि सर हमने इसको करना कैसे। तो बेसिकली जैसे आपने CPT में करा था कि आपको कॉन्सेप्ट को समझ लेना है, राइट, उसको लर्न नहीं करो, उसको समझ लो। और जहाँ तक हम देख रहे हैं कि इंस्टीट्यूट एक और जो है सैम्पल MCQ कि एक और सेट जो इंस्टीट्यूट अपलोड करेगा ही, तो उसको भी जाके आपको जो है वो अटेंड करना है। लाइक सो बेसिकली सेट वन अपलोड हो चुका है, सेट टू अपलोड हो चुका है और आपको हम फैकल्टीज़ की ओर से एक आपको रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट्स के जो है वो MCQs मिल ही रहे होंगे। प्लस आपको स्टडी में जो है बहुत माइन्यूटली स्टडी करनी है। अब बेसिकली MCQ ज़्यादा टफ कहाँ से आ सकते हैं? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ जो MCQ का जो हार्डनेस होगा वो कुछ इन सब्जेक्ट में ज़्यादा होगा, जैसे कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन। बिकॉज अगर ये तीन सब्जेक्ट आप देखो तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी स्ट्रैटेजी इस्तेमाल हुई है, या फिर आपको पूछा जाएगा कि आप एक स्ट्रैटेजिस्ट हो आप और इस केस में आप क्या डिसीजन लोगे। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूँ तो किसी सेक्शन पे वो कोई केस स्टडी बना सकते हैं या किसी सेक्शन में से कोई पार्ट को उठा के MCQ बना सकते हैं, तो बहुत ही पिन पॉइंट क्वेश्चंस वहाँ पे आएंगे। और अगर मैं ऑडिटिंग की बात करूँ जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है, पेपर भी थियोरी नहीं है, प्रैक्टिकल है, तो उस केस में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। तो अभी आपका स्टडी का अप्रोच कैसा होना चाहिए? रादर देन लर्निंग इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अभी तक किसी पार्ट को लेकर के नहीं हुई है तो मार्क माई वर्ड्स, जाके अपने फैकल्टी से उस चीज़ को क्लियर कीजिए। बिकॉज अगर आप उस चीज़ को क्लियर नहीं करोगे तो एग्ज़ाम में आपके साथ जो है वो दर्द डिस्को हो सकता है। तो ये जो है वो आपके साथ ना हो, इसलिए आपने क्या किस चीज़ पर ध्यान देना है, दैट इज़ योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइट। अब थोड़ा सा और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं लॉ की बात करूँ, मैंने सैम्पल MCQs देखे हैं आपके लॉ के पेपर के, तो वहाँ पे बेसिकली स्टूडेंट की कुछ क्वेरी आ रही थी कि सर क्या हमको लाइक सेक्शन नंबर याद करना ज़रूरी है क्या? तो बेसिकली एट इंटरमीडिएट लेवल येस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है, बट अगर MCQ की हम बात करें तो वहाँ पे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड MCQ लॉ में ज़्यादा आ रहा है, केस स्टडी बेस्ड MCQ ज़्यादा आ रहा है। और अगर मैं EIS की बात करूँ तो वहाँ पे आपको जो है वो फुल फॉर्म्स भी याद करने ज़रूरी है, जैसे VOIP स्टैंड्स फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, आपका कोर बैंकिंग का फुल फॉर्म वो आपसे पूछ सकते हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से जो फुल फॉर्म है उस पे भी बेस्ड आपके MCQs आ सकते हैं। जैसे भीम का उन्होंने अगर फुल फॉर्म से पूछ लिया, UPI का फुल फॉर्म पूछ लिया, USSD का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मतलब MCQ कहीं से भी आ सकते हैं, इसके लिए पूरा सब्जेक्ट को आपको स्टडी करना ज़रूरी है। रट्टा माने नहीं कह रहा हूँ मैं, लर्निंग इज़ ए डिफरेंट थिंग, रीडिंग इज़ ए डिफरेंट थिंग। अगर कोई चीज़ याद नहीं हो रही है कोई दिक्कत नहीं, अगर एक बार रीड कर लिया है तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप उस MCQ को सॉल्व कर जाओगे। और यस, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आई वुड रिकमेंड पूरा 100% पेपर आपने अटेम्प्ट करना ही करना है, मतलब जो MCQ वाला पार्ट है। बिकॉज अगर कोई चीज़ आपको सपोज़ आपको आ ही नहीं रही है तो जो जनरलाइज सब्जेक्ट्स है लाइक ऑडिटिंग, EISSM एंड सम पार्ट ऑफ लॉ,
तो उस केस में आपको थोड़ा सा जजमेंट ले करके आपको आंसरिंग करना है. लाइक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में और ऑडिटिंग में तो थोड़ा जजमेंट से आपको आंसर आ ही जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं भी रीड किया है. तो बेसिकली मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अटेंड द होल MCQ विदाउट लिविंग एनीथिंग इन ऑप्शन. और अभी इंस्टीट्यूट एक नोटिफिकेशन लाया था जहाँ पे उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफाई करा है कि आपके जो MCQs है वो एक मार्क का भी हो सकता है, वो दो मार्क का भी हो सकता है. तो दो मार्क वाले MCQ अगर आपको नहीं आते तो थोड़ा सा उसको छोड़ दीजिए पेपर को, उस पार्ट को, और वापस आके रीथिंक कीजिए उस पर. बट यस, MCQ का आपको 100% जो है वो अटेंड करना ही करना है. फिर कुछ स्टूडेंट्स की हमको आ रही थी क्वेरीज कि सर जो एग्ज़ाम में आपको 15 मिनट्स पहले जो टाइम मिलता है पेपर रीडिंग के लिए, तो सर उसमें हमने MCQs को रीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या हमने बाकी के क्वेश्चंस को करना चाहिए? तो उस केस में आई वुड रिकमेंड कि जो 15 मिनट्स जो पहले का आपको समय मिल रहा है उस केस में जस्ट एक फ्लाइंग नज़र आपको लगानी है सारे MCQs पे, और जो आपको लग रहा है कि यार ये MCQ थोड़ा सा कुछ अलग सा लग रहा है उसको वहाँ पे स्टार मार्क कर दीजिए, बड़ी हल्की से पेंसिल से स्टार मार्क कर दीजिए. और फिर जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा आपके पास पेपर स्टार्ट होने से 15 मिनट्स पहले की मैं बात करूँ, बाकी का टाइम आपको बाकी के जो क्वेश्चन है उनमें से कौन सा आपको अटेंड करना है इसके लिए आपको बताना है. तो बेसिकली आई होप इस वीडियो से MCQ के रिलेटेड एक फेयर गाइडेंस आपको सारे ही चारों सब्जेक्ट के लिए मिला होगा. इसी तरह चैनल पर आके सब्सक्राइब करने के लिए और हमेशा मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप लाइकिंग एंड कीप शेयरिंग.